ईवी का क्या कैपेबिलिटी है ये लोगों को पता चले इस ट्रिप से, ये एक अवेयरनेस आए ईवी के लिए, तो हम ये ट्रिप कर रहे हैं। इसलिए अभी आज से शुरू कर रहे हैं हम अपने 500 किलोमीटर की ट्रैवलिंग विद ओला S1 Pro 1542। तो यहाँ तक आते आते 98 हो गए, घर से थोड़ा बाहर आके हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए, तो चलिए चलते हैं आगे। शाम हो रही है और हमको रेंज का कोई इशू नहीं है, 98% चार्ज था, तो जल्दी पहुंचना है और रेंज का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, तो हम स्पीड का ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। तो आज जा रहे हैं आशीष भाई के यहाँ, जो 50 किलोमीटर दूर मुंगेली में रहते हैं, मेरा मामा गांव है, तो वहाँ चलते हैं और आपको रास्ते में क्या क्या हो रहा है डेली वीडियोज़ डाल के बताते रहेंगे। और ये ट्रिप इसलिए कर रहे हैं ताकि एक अवेयरनेस आ पाए ईवी के लिए, एक कॉन्फिडेंस आ पाए ईवी के लिए, ओला स्कूटर के लिए। सो लेट्स गो। सनसेट का टाइम है, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है मुंगेली में ओला S1 Pro आती है, तो अगर कैप्चर कर पाएँ तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ईवी का क्या कैपेबिलिटी है ये लोगों को पता चले इस ट्रिप से, ये एक अवेयरनेस आए ईवी के लिए, तो हम ये ट्रिप कर रहे हैं इसलिए भी। और हमको ट्रैवल करने में मज़ा भी आता है, ये भी रीज़न है। तो थोड़ा सा टाइम अभी है तो हम सोच रहे हैं क्यों ना ईवी के लिए लोगों के मन में जो डाउट है उसको हटा दिया जाए। ये रोड तो अच्छा है लेकिन बीच बीच में ऐसे पैचेस हैं ऐसा लग रहा है, बट ठीक है यार, 50 किलोमीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, गांव आता है तब थोड़ा गायब आए और लोग बीच में आते हैं, बाकी ऐसा रोड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले रोड ख़राब था, अभी अच्छा हो गया है। और ये हमारे पावर केबल्स जो हर जगह दिखाई देते हैं, छत्तीसगढ़ में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि तखतपुर आ गए आशीष भाई, हमको यहाँ पे समोसा खाने बोल रहे हैं, अच्छा है खाते हैं, तखतपुर का स्पेशल समोसा खा लेते हैं, गाड़ी वहाँ पे और इधर जाना है। दिनों बाद देसी समोसा खाने मिला मटर के साथ, आशीष भाई थैंक यू। यहाँ तो मेरे मामा लोग रहते हैं तो उनके यहाँ से मेरे को चार्ज का प्रॉब्लम नहीं जाएगा, लेकिन आगे हो सकता है आप लोगों की ज़रूरत पड़े तो रायपुर से लेके मेरे दंतेवाड़ा तक के हम जाने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच में अगर आप कोई मिलना चाहें या फिर मुझे हेल्प करना चाहें चार्ज वगैरह के लिए, तो आपका वेलकम, मुझे DM करिएगा इंस्टाग्राम में, तो हम मिल भी लेंगे और हमारा भी काम हो जाएगा, आपसे बात भी हो जाएगी, और आप गाड़ी देखना चाहें तो हम दिखा सकते हैं, चलाने मत मांगिएगा, बहुत आज प्यार से धोया है। यहाँ पे क्या हुआ है, धूल धूल हो रहा है पूरा, तो ये रोड यहाँ पे थोड़े ख़राब, पुराना रोड है यहाँ पे। मुंगेली यहाँ से 15 किलोमीटर के अराउंड है जैसा आशीष बता रहे हैं, कल सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे हम रायपुर के लिए, फुल चार्ज करके निकलेंगे यहाँ से, रोड फिर ठीक है। तो आप देखिए मुंगेली लिखा है, लोरमी लिखा हुआ है यहाँ पर, रोड पहले बहुत ख़राब था अभी ठीक ठाक सा हो गया, और ये देखिए यहाँ से थोड़ी दूर लाइटिंग भी है तो प्रोग्रेस हो रहा है, फुल 4 लेन जैसा रोड बनेगा, बीच बीच में 4 लेन देगा, बीच बीच में ऐसे 2 लेन रहेगा सिटी में, तो अच्छी बात है क्योंकि ये रोड कवर्धा जाता है, और कहाँ जाता है आशीष, रायपुर जा भी जाता है, मतलब उधर से रायपुर जा सकते हैं, तो रायपुर जाने के 2 रास्ते हैं बिलासपुर से, एक तो इधर से जा सकते हैं जो 150 किलोमीटर पड़ेगा, और रायपुर बिलासपुर से जाते हैं तो 120 के अराउंड मेरा घर रख के पड़ता है। अब देखिए कीड़े आ रहे हैं तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है, इस लाइट को थोड़ा थोड़ा कुछ देर के लिए बंद, अगर कीड़े आते हैं ना तो बाइक में आप फ्लैश मोड में चलाओ, बीच बीच में फ्लैश देके, तो कीड़े नहीं आते, कम आते हैं, ख़ास तौर पे जब खाली रोड हो तो, यहाँ पे तो इतनी गाड़ियाँ हैं, लेकिन इसमें देना चाहिए था यार ऑफ़ करने का स्विच, या क्योंकि देखो शाम को अगर आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है उस समय कीड़े ही आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, कोई मतलब नहीं होगा, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है यार, इसको देना चाहिए सॉफ्टवेयर। दोस्तों मुझे पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं, बट यहाँ पे ऑफ रोडिंग है, आधा लगभग 300 मीटर का ऑफ रोडिंग में जा रहे हैं, सब तरह का मज़ा है इस ट्रिप में, आप देख सकते हैं ऑफ रोडिंग हाईवे, और देखते हैं आगे हमको क्या क्या मिलता है। फिलहाल तक का तो, अरे यार गाड़ी आज ही धोए है, ये तो भूल ही गए, यहाँ पे कीचड़ है फुल, इधर चलाता हूँ, तो गाड़ी धोए थे इसलिए ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, बहुत ज़्यादा
मडगार्ड को घिसना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, फिर से गंदा होने का फुल चांस रहता है। खैर हमने तो 1 मंथ में धोया। तो भाई ऐसा कुछ रोड है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा शायद, अभी रोड बन रही है तो गिट्टी वाला रोड है पूरा। चलिए आगे मिलते हैं, यहाँ से रोड ठीक हो गया है तो देखते हैं मुंगेली में कितने ईवीज मिलते हैं हमको, हीरो के, एथर के, या नेक्सॉन या कोई भी ईवी, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कुछ मतलब स्पॉट करने का, आपको बताएंगे ज़रूर। लोगों में अवेयरनेस कितना है और कितना बचा है ये आना ये देखेंगे। बड़े शहर के लोग छोटे शहर से इंस्पायर हो सकते हैं कि जहाँ पे सर्विस नहीं है वहाँ भी लोग ले रहे हैं तो आप भी ले सकते हैं ये दिखाने के लिए। सो चलिए मुंगेली में ही मिलते हैं सीधा। हमारी फ्रेंड यानी बैचमेट यहाँ पे है, डॉक्टर प्रियंका जांगड़े, उनसे मिल लेते हैं, आए हैं तो अपने दोस्त से मिलाते हैं आपको। ये डॉक्टर प्रियंका और इनका बड़ा सा हॉस्पिटल है ये यशोदा हॉस्पिटल। तो बधाई आपको, कब कब खुले होंगे? तो मुंगेली में तो आए जरूर, काफी अच्छा इलाज होता है, हमारी बैचमेट है तो अच्छा इलाज तो होगा ही। मुंगेली सही सलामत, और 7 बज रहा है, कितने 5:30 के राउंड निकले थे, आराम से घूमते घामते आ गए, और रेंज वेंज कितना बचा है आपको बाहर निकल के दिखाएंगे। यहाँ से लेके आता यशोदा हॉस्पिटल, काफ़ी बहुत ही बढ़िया बना हुआ है यार, छोटे शहर में एकदम रायपुर के जैसा फैसिलिटी है, काफ़ी सही लगा मुझे। चलिए उनसे विदा तो हमने ले लिया है, तो अब चलते हैं, अब आपको सिटी दिखा देते हैं। बज रहा है 7:47, काफ़ी समय हमने बात करी, काफ़ी अच्छा लगा। तो ये रहा भाई हमारा छोटा सा मामा शहर या मामा गांव मुंगेली। हाँ भाई पेल ही देगा लग रहा है, ये सिटी में भीड़ कम सी लग रही है, मतलब नहीं तो बहुत, बस वस अब उधर से जाता है क्या? पहले यहाँ से बसें जाती थी। तो ये देखिए मुंगेली, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, छोटा सा प्यारा सा कस्बा है, थोड़ा सा कंजस्टेड रोड्स हैं बट ठीक है। बाकी एक ओकिनावा दिखा यहाँ पे अभी जो हम शूट नहीं कर पाए, बाकी और कोई दिखती है गाड़ी तो हम बताएंगे आपको ज़रूर। पड़ाव चौक में आपको अगर पता होगा तो यहाँ पे एक होटल फेमस है जिसका क्या नाम है, वैष्णव होटल है ना, बाबा होटल नाम से, तो उसका समोसा वोसा बचपन से हम सुनते थे, ये वाला है ना समोसा, अगर इसका फेमस है पड़ाव चौक में। ये देखिए वैष्णव मिष्ठान भंडार, मिठाई समोसा यहाँ का फेमस है। अभी तो हमारा पेट भरा हुआ है तो हम चलते हैं घर सीधा। एक बात है भाई, यहाँ भी लोग ओला ओला करके पहचान जा रहे हैं, दूर से ही लोग वो देखो ओला जा रही है ऐसे एक दो लोग बोलते हुए सुनाई दिए। अवेयरनेस तो है लोगों में ओला स्कूटर करके, कोई स्कूटर है बोल के, भले ही यहाँ ओला कैब नहीं चलती लेकिन लोग जानते हैं। नांदघाट बेमेतरा रायपुर यहाँ से है 102 किलोमीटर, उधर 101 था, यहाँ से 102 कैसे बढ़ गया? ये 54% 75 का रेंज बचा है, 59 टोटल डिस्टेंस चला है ना, जब सुबह सुबह गए थे ना 8 किलोमीटर, 51 चला है मतलब ये। तो भाई मामा के यहाँ पहुँच गए हैं, हमारे मामा जी हैं, सारा परिवार है, तो अभी थोड़ा सा एमडी होने की खुशी में कुछ मेरी थोड़ी बहुत पूजा होगी सर स्वागत होगा तो वो सब करते हैं। मैं इधर बैठ गया हूँ। हाँ हाँ ऐसा ठीक है। बस इतना स्वागत तो किसी का नहीं हुआ। नहीं भैया यूट्यूबर बनो बड़े, यूट्यूबर बोलो क्या कर लूंगा, पढ़ने का बोलोगे तो ऐसे एक बार खिंचा लो ना, इसमें अच्छा लाइट आता है। लो 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 साथ में लगे हैं अकेले डाइटिंग कर रही है क्या? तो अभी एक्टिवा से घूम रहे हैं, गाड़ी को चार्ज करने पर डाला है। यहाँ का बस स्टैंड है मुंगेली का, आपको दिखा देते हैं। रोड का तो खात्मा हो चुका है, यहाँ पे गला घोट दिया गया है रोड का, बाकी ये जैसे पहले था 20 साल पहले ऑलमोस्ट वैसा ही है, तो सब बिलासपुर की बसें ही होंगी मैक्सिमम तो लगता है, रायपुर की भी होंगी कुछ। तो यहाँ पे बचपन में काफ़ी हमने गर्मी की छुट्टी में आते थे तो घूमते थे, सलून भी है ओल्ड स्कूल। तो भाई बहुत दिनों बाद हम आ रहे हैं अपने मामा गांव, तो मुंगेली के रोड पे
थोड़ी गेड़ियाँ मार रहे हैं एक्टिवा पे, उस गाड़ी को अभी चार्ज पे डाल दिया गया है। क्यों आशीष? तो भाई यहाँ चार्जिंग पे डाल दिए। I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same.